नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसका नाम है प्लैनेट्स इन 12 हाउसेस, और उसका ये दूसरा वीडियो है। मैं आपकी क्विक रीकैप के लिए बता दूं, पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि हर एक प्लैनेट हमारे ऊपर एक प्रभाव डालता है अपनी ही तरह का, और वो प्रभाव भी अलग अलग हो जाते हैं। जब कोई ग्रह पहले भाव में होता है, दूसरे भाव में होता है, तीसरे भाव में होता है, चौथे, इस तरह से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं और 12 घर हैं, तो 12 × 9 108 पोजीशंस हो सकती हैं। अब मान लीजिए आप अपनी कुंडली को स्वयं देखना चाहते हैं या किसी निकट संबंधी की कुंडली को देखना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ में दिए गए वीडियोस की मदद से बड़े आराम से आप अपने कुंडली में अपनी ग्रहों की पोजीशन और उनका मतलब और उनका आपके जीवन पर या उनके जीवन पर जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने समझाया था, और पिछले वीडियो में हमने सूर्य को पहला प्लैनेट ले लिया था। इसमें हमने बताया था कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है आदि आदि। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या दोबारा देखना चाहेंगे तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे भी आपको मिल जाएगा, और साथ में प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं जब उनकी कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में होता है। इसी तरह से उनका स्वास्थ्य और जीवन शक्ति कैसी होती है, फिर उनका करियर और उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसी उभर कर सामने आती हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है, उनके पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजिशंस यानी कि मनी और वेल्थ ये कैसी रहती है, और फिर उसको हम समाप्त करेंगे। तो ठीक है ना, तो इस इंडेक्स के बाद आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रथम भाव में जब सूर्य होता है तो प्रथम भाव में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य भगवान होते हैं तो ये उनके जीवन पे एक अनोखा और ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। सूर्य की ये प्लेसमेंट जातक को नेतृत्व, करिश्मा और जनून यानी कि पैशन की क्वालिटीज़ का एक शक्तिशाली मिश्रण प्रदान करती है, और ये उनके व्यक्तित्व में झलकता है। तो आइए इस वीडियो में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व, लक्षण और प्रकृति। प्रथम भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों में अधिकार और आत्मविश्वास की स्वाभाविक भावना होती है। इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। इनके अंदर जन्मजात गुण उन्हें उन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त बनाते हैं जहां पर सबसे पहले कदम उठाना यानी कि इनिशिएटिव लेना और दृढ़ता, मजबूती की आवश्यकता होती है। वे खुद को उच्च अधिकार और जिम्मेदारी वाले पदों पर पाते हैं। ये व्यक्ति आत्मविश्वास की प्रबल भावना और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर काम करते हैं, और उससे पहले सोचते हैं कि क्या काम करें। इनकी उपलब्धियों के लिए पहचान पाने और सम्मान पाने की इनके अंदर एक तीव्र शक्तिशाली इच्छा होती है। हालांकि ये प्रभावशाली उपस्थिति कभी कभी प्रभुत्व अहंकार से भी प्रेरित हो सकती है और उन प्रवृत्तियों को जन्म देती है जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, इसलिए इन्हें अपने बिहेवियर पर थोड़े नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य और जीवन शक्ति। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य जीवन शक्ति का प्रतीक है, और प्रथम भाव में इसकी पोजीशन का क्या कहना। प्रथम भाव में जब सूर्य होते हैं तो आमतौर पर जातक का मजबूत स्वास्थ्य और मानसिक लचीलापन देखा गया है। इन व्यक्तियों में अक्सर उच्च ऊर्जा यानी कि हाई एनर्जी का लेवल होता है और मजबूत शारीरिक संरचना देखी गई है।
वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देखभाल करने के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य यानी कि ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में खूब रुचि ले सकते हैं। फिर भी सूर्य का प्रभाव हृदय, छाती, दृष्टि, सिर और कभी कभी बालों से भी संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। ऐसे जातकों को नियमित मेडिकल जांच और संतुलित जीवन शैली की सलाह दी जाती है। आइए बढ़ते हैं करियर और महत्वाकांक्षाओं की ओर। प्रथम भाव में सूर्य होने से ऐसे व्यक्तियों में करियर को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी देखा गया है। उनके अंदर नेतृत्व की भूमिका के लिए एक स्वाभाविक योग्यता होती है और उन्हें अक्सर अपने पेशेवर जीवन में सफल व्यक्ति के रूप से भी देखा गया है। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उन्हें चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने में सक्षम बनाती हैं। वे जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं, जोखिम से मेरा मतलब है करियर रिलेटेड रिस्क, और कार्यस्थल पर अपने आप को बड़ी मजबूती से प्रेजेंट करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने में सफल होते हैं जहां पर है आत्मप्रचार यानी कि सेल्फ प्रमोशन, पब्लिक स्पीकिंग या एक मजबूत ब्रांड की प्रमोशन और पब्लिसिटी करना। हाँ, राजनीति, एंटरप्रेन्योरशिप और नेतृत्व वाले पदों वाली पोजीशंस भी इनको बहुत सूट करती है क्योंकि ये इनकी प्रतिभा के अनुकूल होती हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप और फैमिली की। व्यक्तिगत संबंधों में प्रथम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति गर्मजोशी परंतु आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ इम्पॉर्टेंस में भी इंडल्जेंस रखते हैं, तो इस चीज़ का एक मिला जुला यानी कि मिश्रित प्रदर्शन करते हैं। इनमें आत्ममूल्य यानी कि सेल्फ वर्थ की गहरी भावना होती है और ये दूसरों से, ये शायद मैंने पहले भी कहा, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें पहचाने और उनके महत्व का या उनकी महत्वपूर्ण पोजीशन का सम्मान करें। इनके अंदर दृढ़ता और नियंत्रण की आवश्यकता कभी कभी परिवार के बड़े सदस्यों से मतलब है दादा दादी, नाना नानी, पिताजी माताजी या बड़े भाई बहन, उनके बीच में थोड़ी सी संघर्ष, थोड़ी सी स्ट्रगल का कारण बन सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पर ऑन ए पॉजिटिव लेवल वे सूर्य की तरह ही सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाले होते हैं। किसके प्रति? अपने फैमिली के प्रति, और अक्सर अपने पारिवारिक दायरे में एक पैतृक या एक मात्र भूमिका निभाते हैं। आइए बढ़ते हैं उस एस्पेक्ट की तरफ जो कि है फाइनेंस, वेल्थ एंड मनी। तो जिन जातकों के प्रथम भाव में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति वित्तीय रूप से बड़े ही आत्मविश्वासी यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की क्षमता रखते हैं और उसको प्रदर्शित भी करते हैं। उनका आत्मविश्वासी स्वभाव उन्हें साहसिक वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क वो ले सकते हैं, जिसके कभी कभी तो सफल परिणाम होते हैं और कभी कभी अगर इन्होंने सोच समझ के निर्णय नहीं लिया है तो फिर फेलियर का भी सामना यानी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जब वित्तीय मामलों की बात आती है तो वे स्वाभाविक रूप से जोखिम लेने वाले होते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी कहा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अति आत्मविश्वास होता है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि एक रिस्क टेकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस, इसके बीच में इन्हें संतुलन बनाकर रख कर चलने की जीवन भर के लिए ये सलाह रहेगी। तो अब मैंने जो भी आपको इस वीडियो में बताया उसको मैं समअप कर देना चाहूँगा। पहले घर में सूर्य होने से व्यक्ति एक उज्ज्वल और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है जो अपने संपर्क में आने वाले लोगों के ऊपर एक अमिट, एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जबकि उनकी नेतृत्व की क्षमता और आत्मविश्वास उन्हें करियर में कई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इन्हें व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता और सहानुभूति को विकसित करने की आवश्यकता रहती है। आत्म आश्वासन और दूसरों के प्रति विचारों के बीच
सही संतुलन ढूंढना भी, इनकी कुंडली में दिए गए इतने बढ़िया पोटेंशियल को पूरी तरह से प्राप्त करने की एक तरह से कुंजी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो ज़रूरी सूचनाएं या दो ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। हमारे ऑफिस में बहुत सारे फ़ोन आते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग सीधे सीधे मुझसे बात करना चाहते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा दिन भर बहुत व्यस्त रहता है और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सभी से बात करूं बिना जाने कि उनकी बात करने के पीछे उनके क्या मकसद है। अब दो मकसदों के यानी कि दो ऑब्जेक्टिव्स का मैं आपको सीधा सीधा यहीं पे हल दे देता हूँ। उनमें से एक मकसद हो सकता है कि आप मुझसे कंसल्टेशन यानी कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की कंबाइंड कंसल्टेशन चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा ऑफिस आपको जानकारी दे देगा। हाँ, ध्यान रहे कि हम फ्री कंसल्टेशन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात को 11 बजे या सुबह 8 बजे या सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन करके वो अपनी अर्जेंसी दिखाएंगे और मुझसे फ्री कंसल्टेशन पा लेंगे। नहीं, मैं कुछ समय लगाकर एकांत में कुंडली का अध्ययन करता हूँ और एक दो दिन के बाद का समय दे देता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आप में से जो लोग मुझे कॉल करते हैं, वह हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमने बहुत गहराई में जाकर बहुत डिटेल्ड हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वीडियो कोर्सेज हैं। मैं स्वयं नहीं पढ़ाता हूँ आजकल, और वे कोर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, प्रश्न शास्त्र के ऊपर, जो कि शायद भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहला कोर्स है, और चौथा है रेमेडियल मेजर्स के ऊपर। तो उसका लिंक भी हमने नीचे दे दिया है। मुझसे बात करने से पहले या मेरे स्टाफ से बात करने से पहले वो विस्तृत आप वेब पेज देख लें, और फिर आपको कुछ पूछना हो तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस वीडियो में दी गई जानकारी? क्या आपके पास भी ऐसी कुंडली है स्वयं की या अपने नज़दीकी संबंधियों की जिनका सूर्य प्रथम भाव में है? क्या ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और क्या आप पाते हैं कि हाँ वो मैच करता है? कितना मैच करता है, क्या क्या मैच करता है, मुझे नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, अब आप तीसरे वीडियो की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मीन टाइम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन को समझ सके, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन को क्लिक करना भी ज़रूरी है, इससे आप हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे।